बात उन दिनों की है जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हार्ट अटैक आ गया था और बांदा से मुख्तार अंसारी को इलाज के लिए PGI रेफ़र कर दिया गया। PGI में मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर बनी हुई थी और मुख्तार अंसारी को उनके परिवार के किसी भी सदस्य से, यहाँ तक कि उनके भाई बंधुओं से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, मिलने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय उनके दो बेटों के, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। लेकिन उस वक्त माहौल बदल गया, स्थिति बदल गई जब राजा भैया वहाँ पर पहुँचे अपने मित्र मुख्तार अंसारी से मिलने। प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी राजा भैया को मुख्तार अंसारी से मिलने से नहीं रोक सका और राजा भैया अपने दलबल के साथ मुख्तार अंसारी के पास पहुंच गए। राजा भैया और मुख्तार अंसारी की मित्रता अक्सर देखने को मिलती है। कभी राजा भैया की पार्टी में मुख्तार अंसारी पहुंचते हैं तो कभी मुख्तार अंसारी के किसी कार्यक्रम में राजा भैया पहुंच जाते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े बाहुबलियों के मित्रता की कहानी। और भी इसी तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लहर लाइव को और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।